सो गाइस, ये आप हमारे सामने देख सकते हो, ऑल न्यू 2024 KTM ड्यूक 200 में जो दो न्यू कलर को एड ऑन किया गया था, वो हमारे सामने दोनों ही खड़ी है। सबसे पहले आप इधर देखोगे जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज कलर, और इधर आप देखोगे जो कि आपको डार्क गैल्वेनो कलर, कलर में आपको बदलाव किए गए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस गाड़ी का डिटेल्ड वॉकराउंड रिव्यू करने वाले हैं कि अभी का इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या है, इससे आप माइलेज कितना का निकाल पाओगे, टॉप स्पीड क्या है, और साथ साथ जो पुराने वाले मॉडल आते थे उसमें और इसमें आपको क्या क्या अंतर देखने को मिलेगा, हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले दोनों ही गाड़ी का फ्रंट डिजाइन देखोगे जो कि आपको एग्रेसिव देखने को मिलता है। फुल्ली एलईडी में आपको लाइट सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहां कि आपको डीआरएल लाइट भी दिए गए। लाइट का जो इल्यूमिनेशन है वो आपको सबको यहाँ पे ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर जो दिया गया है जो कि आपको फुल्ली एलईडी में ही दिया गया है, बट इस कलर का आप यहाँ पे हेडलाइट काउल देखोगे जो कि आपको टोटली ऑरेंज कलर के साथ देखने को मिलेंगे। और इधर आप देखोगे डार्क गैल्वेनो का, इसका भी आपको टोटली ऑरेंज कलर में मिलता है, बट नीचे में आप मडगार्ड देखोगे उसमें आपको डुअल टोन कलर का यूज किया गया, ऑरेंज कलर और आपको ब्लैक कलर। बट इस कलर में देखोगे यहाँ पे आपको जो मडगार्ड दिया गया जो कि आपको टोटली ग्लॉसी कलर में ही देखने को मिलेंगे। साइड प्रोफाइल की ओर आओगे तो यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हो जो कि आपको यहाँ पे टोटली न्यू ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे ब्लू कलर के यूज देखने को मिल जाते हैं। 200 को भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया, और ये जो पार्ट है जो कि आपको टोटली ऑरेंज कलर के साथ मिलता है। और बगल में इस वाले कलर में देखोगे तो ये जो पार्ट है जो कि आपको टोटली ग्रे कलर के साथ दिए गए, और यहाँ पे भी आपको सेम ग्राफिक्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी आपको 200 को मेंशन किया गया है। टैंक का एक कलर देखोगे, इसमें तो आपको टोटली ब्लू कलर के देखने को मिल जाते हैं, बट उसका कलर देखोगे जो कि आपको टोटली ग्रे कलर के साथ ही दिए गए हैं। 13.5 लीटर का आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। सीट की ओर आओगे तो सीट में भी आपको दोनों ही गाड़ी में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलते हैं। राइडर के लिए भी आपको अच्छा स्पेस मिलता है, और पिलियन का भी स्पेस आपको अच्छा मिल जाएगा। सीट काउल देखोगे तो ए पार्ट आपको यहाँ पे टोटली व्हाइट कलर में मिलेंगे, जहाँ कि आपको ब्लू कलर का और यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर के साथ आपको ड्यूक को मेंशन किया गया, बट इसमें देखोगे तो ए पार्ट आपको टोटली ब्लैक कलर में मिलेंगे, ऑरेंज कलर का यूज मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के साथ आपको ड्यूक को मेंशन किया गया है। जो ट्रेलिस फ्रेम मिलता है जो कि आपको डुअल टोन कलर में दिया गया है ब्लैक कलर, और इधर आपको टोटली ऑरेंज कलर के साथ देखने को मिल जाएगा। जो फ्रंट टायर दिया गया है जो कि आपको 110 सेक्शन का मिलता है, फ्रंट में आपको 300 mm के डिस्क दिए गए, जहाँ कि आपको 4 पिस्टन ब्रेक कैलिपर्स दिया गया जो कि आपको बाइब्री कंपनी की तरफ से देखने को मिलता है, और दोनों ही चक्के में आपको ABS के पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। रियर सेक्शन की ओर आओगे तो यहाँ पे आप इसका टायर देख सकते हो जो कि आपको 150 सेक्शन के, इसमें आपको रियर में टायर दिए गए, बट इस कलर का आप एलॉय व्हील देखोगे जो कि आपको 17 इंचेस के मिलते हैं, बट आपको ऑरेंज कलर के साथ दिया गया है। बट वहीं आप डार्क गैल्वेनो कलर की ओर देखोगे तो इसका जो एलॉय व्हील है 17 इंचेस के ही मिलते हैं, बट उसका जो कलर है वो आपको टोटली ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगे। गाड़ी के आप टोटली रियर सेक्शन की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको एलईडी में टेल लाइट देखने को मिल जाता है। जब ब्रेक को दबाओगे इल्यूमिनेशन आपको अच्छे मिल जाएंगे, इस जगह पे आपका नंबर प्लेट लग जाएगा। टायर अगर भी आपको बड़े साइज में देखने को मिलते हैं। लेफ्ट साइड आओगे तो सारी गार्ड के ऑप्शन पहले से ही मिल जाते हैं, और साथ साथ जो क्रैश गार्ड है वो आपको यहाँ पे भी लगाया गया, आप अपने हिसाब से आगे वहाँ पे लगा सकते हो। चेन आपको टोटली खुला दिया गया है, और जब गाड़ी का आप मीटर कंसोल की ओर आओगे तो यहाँ पे आप इसका मीटर कंसोल देखोगे जो कि आपको फुल्ली डिजिटल में आपको मीटर कंसोल दिया गया है। इसे मैं ऑफ करके फिर से ऑन करूँ, ये आप देख सकते हो रेडी टू रेस लिखा हुआ आता है। ऊपर में आपको टैकोमीटर, गियर पोस्ट इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ABS, इधर आपको फ्यूल गैस, इधर आपको टेम्परेचर जो भी वो आपको मिल जाएगा, डिजिटल क्लॉक, साइड स्टैंड लगे हुए उसके लिए आपको इंडिकेटर मिल जाता है, और लो फ्यूल है वो भी आपको यहाँ पे इंडिकेटर के रूप में दिया गया है। गाड़ी आपको माइलेज क्या दे रही है वो आपको बता रही है। यहाँ पे आपको ट्रिप वन मिल जाएगा टाइमर के साथ, यहाँ पे आपको ट्रिप टू मिल जाता है, और ये आपका रोड मोड देखने को मिलेंगे। स्विचेस की ओर देखा जाए तो हर एक स्विच के बगल में आपको व्हाइट लाइट भी मिलता है। लो बीम आपको हाई बीम, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न का स्विच, ये आपका हॉर्न का स्विच, और इधर आप देखोगे इंजन ऑन ऑफ का, और यहाँ से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर पाओगे। गाइज अभी जस्ट आपने इसका साउंड को सुना, आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। इंजन जो दिया गया है जो कि आपको 199.5 सीसी के देखने को मिलेंगे। सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक 4 वाल्व के साथ दिया गया, लिक्विड कूलिंग को गाड़ी सपोर्ट करने वाली है, तो जो हीटिंग इशू है वो आपको कहीं से भी फील नहीं होने वाला है। माइलेज अप्रॉक्स आप 35 से 40 का आप आराम से निकाल पाओगे। टॉप स्पीड लगभग आपको 140 km/h का मिल जाएगा, और जो गाड़ी आपको पावर देती है जो कि आपको 24.5 PS का और 19.3 Nm का ये गाड़ी आपको टॉर्क देने वाली है। सफिशियंट पावर एंड टॉर्क मिल जाएगा, कहीं से भी आपको लैग नहीं देखने को मिलता है।
और जो वजन है जो कि आपको मात्र 159 kg का ही रखा गया है, जिस कोई भी आदमी आराम से चला सकता है। और जो सीट हाइट है जो कि आपको 822 mm के रखे गए हैं। अगर आपका हाइट 5.5 फीट है, 5 फीट से ज्यादा है, तब को आप इस गाड़ी को कंफर्टेबली चला पाओगे, कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और लास्ट में आपको मैं इस गाड़ी का एक्सशोरूम प्राइस और आपको ऑन रोड प्राइस बताता हूँ। अभी फिलहाल देखा जाए जो कि मैं KTM स्टेशन रोड पे हूँ रांची में, और यहाँ का जो एक्सशोरूम प्राइस है जो कि आपको 1,96,909 रुपीज रखा गया है, और ऑन रोड प्राइस आपको लगभग 2,33,000 रुपीज के अप्रोक्स में देखने को मिल जाएगा। तो मैंने गैस इन दोनों ही कलर में जो भी डिफरेंस थे, जो भी डिटेल रिव्यू था, वो मैंने आपको हर एक कुछ अच्छे से बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन होता है तब बस आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।